यार तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा ख्याल रखना, और प्लीज अब वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर ये घर घर ही नहीं लग रहा। माय गॉड, उस एक केक के पीस ने मेरा 1 किलो वजन बढ़ा दिया है। काफी जादुई केक होगा कि एक पीस खाने से तुम्हारा 1 किलो वजन बढ़ गया। जिनको वेट गेन करना है उनको तो जरूर ट्राई करना चाहिए। मैंने कल क्लब में भी एक पेस्ट्री खा ली थी। तब तो तुम आज से ही खाना पीना बंद कर दो, मैं कुक को बता देता हूँ। मेरे पीछे पड़े रहिएगा, कभी मोना की फिक्र ना कीजिएगा। मोना को अपने वेट की फिक्र नहीं है, तुम्हें है। मैं उसके वेट की बात नहीं कर रही, मैं उसकी लाइफ की बात कर रही हूँ। बाबर मुझे उससे बिल्कुल खुश नहीं लग रहा। इसका तुम्हें कब एहसास हुआ? मैं मिली थी उन दोनों से, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे मुझे। कमाल है, तुम ऐसी बातें भी नोट कर लेती हो। माँ हूँ मैं उसकी, जो करती हूँ कहती हूँ उसकी भलाई के लिए करती हूँ। बाबर को खुश रखना बहुत जरूरी है उसके लिए। अच्छा, बाबर खुश रहे और मोना नहीं? वो तो सदा की बेवकूफ है, उसको तो शुक्र करना चाहिए उसे इतना अच्छा लड़का मिल गया है, अब उसकी कदर भी तो करे ना। तुम्हारे नजदीक अच्छे की डेफिनेशन है क्या? आप बार बार इस बात के ऊपर बहस क्यों करते हैं? मैंने मोना की शादी कोई जबरदस्ती तो नहीं कराई, उसकी मर्जी शामिल थी, अब कम से कम उसको जिम्मेदारी के साथ निभानी तो चाहिए ना। मेरे ख्याल में तो वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। आपकी आंखों पे तो बेटी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। इससे और अच्छी क्या बात है कि बाप की आंखों पे बेटी की प्यार की पट्टी चढ़ी है। ज्यादा घूरो नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है कि घूरने से भी वजन चढ़ जाता है। हाँ। नाइस, ये भी इनकमिंग है। ओके, हाय समीर। हाय। हेलो, तुम यहाँ अचानक? आई वाज इन द एरिया तो सोचा क्या क्या मिलूं। अभी कल रात ही तो हम मिले थे, हमने काफी टाइम गुजारा एक दूसरे के साथ। अब इस दिल का क्या किया जाए, मिस कर रही थी तो मिलने चली आई। मॉडल्स भी इतनी इमोशनल हो सकती हैं। अगर तुम जैसा समझदार बिजनेसमैन इमोशनल हो सकता है तो मैं नहीं हो सकता। जी, तुम्हें इस तरह बार बार ऑफिस नहीं आना चाहिए।